स्वागत है दोस्तों आपके YouTube चैनल ऑफिशियल केयर में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ड्रोटीन टैबलेट के बारे में। दोस्तों जो ड्रोटीन टैबलेट होता है ये एंटी स्पास्मोडिक मेडिसिन होती है, जिसका यूज़ दोस्तों आगे की वीडियो में हम जानेंगे, जैसे कि इसके यूज क्या होते हैं, डोज क्या होते हैं, साइड इफेक्ट क्या होते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होता है एंड किस किस स्टेज एंड फॉर्म में ये अवेलेबल होता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। दोस्तों जो ड्रोटीन टैबलेट होता है ये एंटी स्पास्मोडिक मेडिसिन होती है, जो कि दोस्तों बात करें स्ट्रेंथ में तो 80 mg एंड 40 mg में अवेलेबल होती है, जो कि ब्रांड की बात करें तो दोस्तों ड्रोटीकाइन के नाम से आती है, डोवेरिन के नाम से आती है। दोस्तों ये जो ड्रोटीवेरिन टैबलेट जो होती है ये टैबलेट के फॉर्म में भी आता है, सीरप के फॉर्म में भी आता है जो कि बच्चों में दी जाती है एंड इंजेक्शन फॉर्म में भी आता है जो कि फास्ट एक्शन के लिए दिया जाता है। दोस्तों जो ये ड्रोटीन टैबलेट होता है ये क्या होता है, एक सेलेक्टिव फास्फोडाइस्टेज 4 इनहिबिटर होता है, जो कि मसल्स को रिलैक्स करने में हेल्प करता है। अगर मसल किसी तरह के बॉडी में मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है जिसकी वजह से पेन होने लगता है, उस कंडीशन में इसका उपयोग किया जाता है। तो चलिए देखते हैं इसके यूज़ कहाँ कहाँ किए जाते हैं। तो दोस्तों आपको अगर एब्डोमिनल पेन है बॉडी में, अगर आपके पेट में दर्द होता है मसल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, ऐठन सी दर्द होती है, तो उसमें इसका यूज किया जाता है। या दोस्तों आपको जैसे कि रीनल कोलिक पेन हो गया, यानी कि आपकी किडनी में स्टोन की वजह से पेन हो रहा है, तो उस कंडीशन में दोस्तों दिया जाता है। और दोस्तों अगर आपको बाइलरी स्पाज्म है, यानी कि आपके गाल ब्लेडर में जो है स्टोन है, स्टोन की वजह से ऐठन सी मरोड़ सी दर्द होती है, बहुत तेज सी दर्द होती है, काफ़ी हार्ड दर्द होता है, तो उस कंडीशन में दोस्तों की दिया जाता है। या आपके दोस्तों बाइलरी जो डक्ट होती है, जो हमारा बाइल जूस जहाँ सीक्रेट होता है, उसमें किसी तरह का स्टोन हो जाता है, तो उस कंडीशन में दिया जाता है। दोस्तों अगर इसका एक अच्छा फायदा है, जैसे कि आपके किडनी स्टोन है, तो किडनी स्टोन में दोस्तों उसको इंजेक्शन फॉर्म में दिया जाता है फास्ट रिलीफ के लिए। पेशेंट को दो से चार मिनट में अगर इंजेक्शन फॉर्म में देते तो दर्द से राहत मिल जाती है, ये बहुत अच्छा काम करता है किडनी स्टोन या बाइलरी स्टोन में। दोस्तों इसका यूज़ दोस्तों सर्वाइकल डायलेशन में दिया जाता है, यानी कि सर्वाइकल डायलेशन वो कंडीशन होता है जब कोई मदर या वोमेन जब क्या करती हैं, डिलीवरी कराती हैं कि बच्चे को, तो उसको डायलेट करते हैं, डायलेट करने में मदद करता है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ के। या दोस्तों बात करें आपके मेंसुरेशन पेन हो रहा है, जैसे कि जिन महिलाओं में मेंसुरेशन आता है तो उस कंडीशन में ऐठन सी दर्द होती है, मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो उसमें भी इसका यूज किया जाता है। या दोस्तों आपको इंटेस्टाइन स्पाज्म हो जाती है, यानी कि आपके हाथों में किसी तरह का दर्द होता है ऐठन सी मसल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से, तो उस कंडीशन में भी इसका उपयोग किया जाता है। या दोस्तों आपको जैसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, यानी कि आपके जो इंटेस्टाइन होते हैं, स्टमक होते हैं, उसमें किसी तरह का पेन होता है, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन की वजह से, डायरिया की वजह से मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में भी इसका उपयोग किया जाता है। ये रहे दोस्तों इसके यूज़ के बारे में। अब बात करें अगर दोस्तों इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में, तो किन लोगों में नहीं देनी चाहिए, तो दोस्तों अगर 1 साल से नीचे का बच्चा है तो उसको नहीं देना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए ड्रोटीन टैबलेट। और दोस्तों जिनको सीवियर लीवर डिजीज़ है उन लोगों को नहीं देना चाहिए, या दिल से रिलेटेड कोई बीमारी का कार्डियक है तो उन लोगों में भी नहीं देनी चाहिए। या दोस्तों रीनल डिजीज़ है यानी कि सीवियर रीनल डिजीज़ है, तो उस कंडीशन में भी इसको अवॉइड करना चाहिए। और दोस्तों जैसे कि जिन लोगों में ग्लाउकोमा है, यानी कि जिनको मोतियाबिंद बोलते हैं, या दोस्तों जिन लोगों में ग्लाउकोमा की प्रॉब्लम होती है मोतियाबिंद की, तो उन लोगों में नहीं देना है, अवॉइड करना है। ये इसके दोस्तों वार्निंग एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन होते हैं। अब बात करेंगे इसके दोस्तों डोज के बारे में, डोज क्या होता है। तो दोस्तों इसका डोज होता है, एडल्ट की बात करें तो 40 से 80 mg दे सकते हैं आपको, दिन में 2 बार या 3 बार दे सकते हैं कंडीशन के अकॉर्डिंग। और दोस्तों यही बात करें अगर बच्चों में, तो बच्चों में दोस्तों अगर 1 से 6 साल का बच्चा है तो उसमें 20 mg दे सकते हैं आप, दिन में 2 बार दे सकते हैं। या दोस्तों आपको 6 से 12 साल का बच्चा है तो उस कंडीशन में 40 mg दे सकते हैं, दिन में 3 बार। ये इसके दोस्तों डोज होते हैं। अब बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। दोस्तों इसका साइड इफेक्ट जो होता है, आपको हाइपोटेंशन हो सकती है, यानी कि BP कम हो सकती है, ड्राई माउथ हो सकता है, मुंह में सूखापन हो सकता है, हेडेक हो सकती है, चक्कर आ सकता है आपको, एंड दोस्तों कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो सकती है एंड वोमिटिंग हो सकती है, इसके साइड इफेक्ट होते हैं। आज की वीडियो में डिस्कस की हमने दोस्तों ड्रोटीवेरिन टेबलेट के बारे में। तो वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू सो मच।